समोसा ब्लॉग लेके आए हैं वो है यहाँ पे बहरानी शवरमा, और बहुत ज़्यादा मशहूर है ये शवरमा। उनका कहना है कि उनके डोसे हैं वो 30 तरह के डोसे शवरमे में मौजूद हैं। और ये है उनका बिलबोर्ड लगा हुआ और ये है उनकी दुकान। और आज कुकिंग विद नाज़नीन में आज हम आपके साथ जो सा ब्लॉग शेयर कर रही हैं वो है इनका बहरानी शवरमा वालों का। तो चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि इनके कौन कौन से जो से स्पेशल शवरमे हैं और क्या स्पेशलिटी है इनकी। तो यहाँ पर जो से एक भाई है वो काम कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने चिकन यहाँ पर लगाया हुआ है और धुआं निकल रहा है। तो अब इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो सी स्पेशलिटी है वो शवरमों की, आपके पास काफ़ी किस्म के शवरमे हैं, तो पहले आप मुझे बताएं कि किस किस तरह के जो से आपके पास शवरमों की वैरायटी है? हमारे पास ठीक है, तो स्पेशल मतलब जो आप लोगों से कस्टमर डिमांड करता है वो कौन सा फ्लेवर है? ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या है, मतलब आप लोग का जो सा शवरमा है वो सबसे मतलब आप लोग कहते हैं कि फैसलाबाद में मतलब बड़ा है, ठीक है, और आप लोग का ये कहना है, तो उसकी प्राइस भी ज़रा बता दें ताकि जो लोग हमारे देखने वाले आप लोग के यहाँ पर आए विज़िट करें ताकि उन्हें कीमत का भी अंदाज़ा हो कि क्या प्राइस है उसकी। थोड़ा सा ऊँचा बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, 230 का। और ज़्यादा कस्टमर डिमांड भी इसी चीज़ की करते हैं आप लोगों से? ठीक है, तो व्यूअर्स जो से स्पेशल इनकी मतलब जो कस्टमर ज़्यादा इनसे डिमांड करते हैं वो शवरमे इन लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर पहले हम लोग एक ले लेते हैं ओवरव्यू कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे फ्राइज़ हैं, ये मुझे साथ साथ बता भी दें आप लोग क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपने रखा है इसको? ये अल्फाहा में इसे ग्रिल कर रहे हैं। इसे ग्रिल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से तैयार की हुई जो सी ब्रेड है आप लोगों की? तो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो से कस्टमर सबसे ज़्यादा इनसे डिमांड करते हैं लोगों ने वो शवरमे खाने शुरू कर दी हैं। तो एक दफ़ा आप उनका नाम ज़रा रिपीट कर दें, कौन से शवरमे ये? एक अल्फाहा है, ठीक है, एक बहरीनी है, ठीक है। तो व्यूअर्स इसकी जो पूरी प्रोसीजर का तरीका है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो फैसलाबाद में जो से इनके शवरमे बहुत मशहूर हैं और हम लोग इसीलिए इनके पास यहाँ पर आए हैं ताकि आप लोग देख सकें। जब भी आप लोग विजिट करें शवरमे के वजह से तो इनकी जो सा है ज़रूर एक बार टेस्ट करें शवरमे को। अच्छा, तो अगर स्पाइसी करना हो तो इसी सॉस को ज़्यादा करेंगे आप यूज़? जी, सॉस। हाँ, तो स्पाइसी बनाइएगा। तो व्यूअर ये वो चीज़ें जो सी मतलब ये अपने शवरमे में यूज़ करते हैं, सबसे यूनिक चीज़ें जो यहाँ पर किसी और दुकान पे या किसी और शवरमे वाले के पास हम लोगों ने नहीं देखी यूज़ करते हुए। कौन सी सॉस है भाई ये? ग्रीन सॉस। ये सब चीज़ें आप लोगों ने खुद से तैयार की हुई हैं, मतलब आप लोगों की अपनी सॉसेज हैं ये? मैक्सिकन सॉस है। और ये चीज स्लाइस है, मैक्सिकन है, ठीक है। ये फार्म में है, ठीक है। ये चिकन है बारबेक्यू। इसको बनाया मतलब कैसे हुआ है आपने, कुछ स्पाइसेस वगैरह यूज़ किए हुए पहले, क्या बनाया हुआ? पहले हम रात पे पकाते हैं इसको, फिर इसको कट किया जाता है, फिर रेसिपी लगती है, ठीक है। मतलब उसी तरह जिस तरह की भाई भाई ने अभी चिकन लगाया हुआ वही वाला चिकन ही है। आप लोग कहते हैं वो फ्राइज़ वगैरह, ओके ठीक है, वही मैं अभी पूछने ही लगी थी कि फ्राइज़ भी आप लोग ऐड करते हैं और वही तो भाई ने राइट टाइम उसी टाइम जो है वो फ्राइज़ वो ऐड कर दी हैं। तो ये फ्राइज़ का मतलब क्या स्पेशलिटी है आप लोगों की, मतलब कस्टमर पसंद करते हैं इस चीज़ को?
डिफरेंट है। तो पीपल्स आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब इनके शवारमे को यूनिक और डिफरेंट बनाती हैं। और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा था ये लोग ग्रिल भी करते हैं शवारमे को। ओके, एक ग्रिल होगा और एक टोस्ट होगा जी। तो ठीक है, आप हमारे सामने करें उसको। तो टोस्ट कहाँ पे करेंगे आप? यहाँ पर ही प्लेट है। तो व्यूअर्स देखे इन्होंने मतलब इसके ऊपर वजनी चीज़ ही आपने क्या रखा था इसके ऊपर? ये वेट कहते हैं, वेट रखा है आपने। ओके, ये अब दूसरा जा रहा है ग्रिल होने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देख भी सकते हैं कि जो भाई मतलब अभी करके लेकर आए हैं तो कितना अच्छा इसके ऊपर जो सा ये ग्रिल किया हुआ मतलब आ गया है। ठीक है, अब इसको ये पैक कर रहे हैं। तो कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं मतलब फैसलाबाद में? कितने अरसे से आप लोग यहाँ पर? 2 से 2.5 साल हो गए हैं। और यहाँ पर जो सा दूसरा शवारमा वो ग्रिल किया जा रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि भाई ने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लिया, कलर आप लोगों के सामने है इसका। दोनों साइड से जो है इसको टोस्ट करना है और वहाँ पर बाकी जो सा चारों साइड से। ओके, मतलब चारों साइड से करना है इसको। और वहाँ पर जो वहाँ पर क्या मतलब आप लोग जिंगर बर्गर के लिए? जिंगर बर्गर शवारमे के लिए। तो जिंगर शवारमा जिंगर बर्गर कितने का आप लोगों का? जिंगर शवारमा 140 का है। ठीक है, बर्गर 160। और बाकी ये देख सकते हैं नीचे आप लोग मतलब ब्रेड्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और सफाई सुथराई का मतलब कोई मक्खी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी है, मतलब अमूमन हम लोग जब खाने वाली दुकानों पर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, मक्खियाँ भी होती हैं, कीड़े भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या फिर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सफाई का काफ़ी अच्छा इंतजाम है। और जो से खास तौर पर लोगों ने मतलब ग्लव्स पहने हुए हैं जो कि आजकल के लिए मतलब कंपलसरी है कि जब भी आप कुकिंग करें ग्लव्स का यूज़ करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है। और इसी तरह बाकी सारे जो शवार में भी इन्होंने हमारे सामने रेडी किए, बाकी भी कर रहे हैं। तो टाइमिंग क्या है भाई आप लोगों की, मतलब कितने बजे आप लोग शुरू करते हैं? 2 बजे तक। ओके, ठीक है। तो मतलब कोरोना की से कुछ इफेक्ट हो रहा है, मतलब जल्दी गहरे बंद कर दें आप लोग? 6 बजे का टाइम कर दिया है तो कुछ इस चीज़ से फ़र्क पड़ा नहीं? कोई मसला नहीं। हाँ जी, एड्रेस में। तो व्यूअर्स ये है इनकी दुकान का पंपलेट जिसपे एड्रेस भी मेंशन है और नंबर भी मेंशन है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने ऑर्डर देना हो तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या तरीका कर कितनी देर पहले करना पड़ेगा ये अब हम भाई से जानते हैं। जी भाई, अगर किसी ने आपको मतलब ऑर्डर देना हो तो वो आप मतलब कितने देर पहले आपको बताए, एक दिन पहले या उसी दिन आप रेडी कर देंगे? 10 मिनट में कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी सारे मेंशन किए हुए कोई भी आपको ऑर्डर दें आप लोग 10 मिनट पहले आपको बता दें। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर सिटिंग का भी है या इंतज़ाम इनके जो मतलब है बनाए हुए इन्होंने अपनी शॉप के वो पड़े हुए हैं यहाँ पर। और इनका भी हमने आपको नाम भी दिखा दिया है और मेंशन कर दिया। आप लोग अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग 10 मिनट पहले बताएं और फिर वो जो आपको है वो तैयार कर देंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पर अभी कोई बैठा नहीं हुआ लेकिन इन्होंने अरेंज किया हुआ सिटिंग का। और ख़ास तौर पे जो बाहर का व्यू है वो बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। ये देखिए जैसा कि भाई ने कहा था कि चारों तरफ से करना है, अब इन लोगों ने इसकी साइड को चेंज किया हुआ था मतलब चारों तरफ से इसको टोस्ट कर रहे हैं। ये खड़ा करके 3 साइड्स हो गई हैं और एक रह गई थी, ये ले उन्होंने इसको साथ खड़ा कर दिया सहारे के ताकि वो गिरे ना। मैं आपसे पूछना था कि आप लोगों की होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी है आप लोगों के पास?
तो डिलीवरी फ्री है आप लोगों की, मतलब उसके चार्जेस हैं? डिलीवरी फ्री है, ठीक है। तो व्यूवर्स, आप लोगों के सामने हम लोगों ने जो से इनका नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो से डिलीवरी है वो इनकी फ्री है, तो आप लोग इनसे अब ऑर्डर करें और जो से ये मज़ेदार से शुरमे इनको इन्जॉय करें, और हमें भी अपनी फीडबैक दें कि जो से ये शुरमे आपको कैसे लगे हैं। इनको आप पैक कर दें, तो अब हम लोग ये भाई जो से इसको कट कर रहे हैं, अंदर से भी देख लेंगे कैसा इसका मतलब लुक है। ये दूसरे को भी इसी तरह वो कट कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख लेंगे अंदर से इसका क्या लुक है। ये देखिए ज़बरदस्त माउथ पार्टी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये तैयार करवा लिए हैं शुरमे को, जैसा कि ये ग्रिल पे रख के ग्रिल करते हैं, तो यहाँ पे पहले जो से कोयले वो दहक रहे हैं, और दहकते कोयलों पे इन्होंने इसको रखना है ग्रिल करने के लिए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो से हैं वो शुरमे यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सा आज का हमारा व्लॉग है वो पसंद आएगा। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को क्योंकि नाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नया व्लॉग लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।